दोस्तों आप देख रहे हैं ये पेड़, ये इसकी फुनगी से लेके मतलब इसकी तना तक आप देख सकते हैं, इनके फल लगे हुए हैं। दोस्तों ये ढाक का पेड़ है जिसे हम पलाश भी कहते हैं, टेसू भी कहते हैं। ये फल हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये फल में हम लोग अपना जीवन को सुधार सकते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में अनेकों कीड़े होते हैं दोस्तों, रिंगवर्म, फीता कृमि जैसे कृमि हमारे शरीर में होते हैं दोस्तों। तो इसके फल को, जो फल आपको हम दिखा रहे हैं सामने वीडियो लेकर, इसका जो फल है दोस्तों ये आप देख सकते हैं। इसका फल जो है आपको हम अपने दिखा रहे हैं दोस्तों। ये फल में छोटे छोटे बीज होते हैं दोस्तों। इस बीज को निकाल कर दोस्तों, ये बीज को निकाल कर हम क्या करेंगे कि इसके बीज को निकाल कर हम लोग फायरवुड, जो लकड़ी की आग है दोस्तों, उसमें हम लोग इसको कम अंगारा जिसमें रहेगा दोस्तों, उसमें इसके बीज आप देख सकते हैं दोस्तों, हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसका बीज जो होता है दोस्तों ये चौड़ा चौड़ा होता है, और इसके बीज को निकाल कर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आग में इसको भुरटने का काम करेंगे। भुरटने का कहने मतलब है कम जलाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं ये इसका फल का बीज है दोस्तों। इस बीज को हम लोग निकाल कर आग में हल्का हल्का इसको, जो अंगारा होता है उसमें जलाएंगे दोस्तों, और इसको खाली पेट 3 दिन बिस्कुट की तरह एक एक बीज खाली पेट खाने से दोस्तों पेट का कृमि अपने मल से दोस्तों निकल जाएगा, जिससे हमारे पेट की कृमि ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और ये पेट की कृमि जब ख़त्म हो जाएगी दोस्तों तो हम लोग अपना ये कृमि से मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों। रामबाण दवाई है दोस्तों, ये हमारे शरीर के सभी प्रकार के कृमि, फीता कृमि, पीन कृमि, रिंग कृमि, जितने प्रकार के कृमि होते हैं दोस्तों उनको ये निकाल कर मल से बाहर कर देगा दोस्तों। अगर आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये करके देखिएगा दोस्तों तो बाथरूम में नहीं जाकर एक दिन बाहर अपना लेटरिन जाइएगा दोस्तों, तो देखिएगा आपके लेटरिन पर खाने के दूसरे ही दिन ही कृमि निकलने लगेंगे दोस्तों। हमारा पेट साफ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर हेल्दी रहेगा दोस्तों। ये बहुत ही अचूक दवा है जो कृमि नाशी दवा है दोस्तों। इस पलाश के बहुत सारे गुण हैं जिसको मैं क्रमशः अपने इस देहाती ब्लॉग्स में बताता रहूँगा दोस्तों। मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसके जैसा कृमि दवा और कहीं आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग आए हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये पुराणों में वर्णित है दोस्तों, और मैंने इसे खुद करके देखा है दोस्तों। यह बहुत ही कृमिनाशक दवा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस ढाक पलाश या टेसू जिसे कहते हैं, जिसका फूल भी होता है दोस्तों जो लाल रंग का होता है, इसलिए इसे अग्नि भी कहते हैं दोस्तों संस्कृत में। तो ये पेड़ बहुत ही लाभदायक है दोस्तों, ये गांव देहात में फ्री में मिलता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं इतने यहाँ कितने फल लगे हुए हैं दोस्तों। बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ इन्हीं फलों के द्वारा कृमिनाशक दवा बनाते हैं दोस्तों, और ऊंचे दामों पर बेचते हैं दोस्तों। आपको ये कम रेट, कहने का मतलब कुछ नहीं रकम लगेगा दोस्तों, गांव देहात में रहते हैं तो इससे, या गांव देहात से आप शहरों में भी मंगा सकते हैं दोस्तों, और इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये कृमि से मुक्ति दिलाएगा दोस्तों, और कृमि से आपको राहत मिलेगा दोस्तों। नमस्कार, मैं आप लोग को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि कृमिनाशी दवा है दोस्तों, आप इसे यूज कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना शरीर को हेल्दी बनाइए दोस्तों। और अपने इस YouTube चैनल जो देहाती ब्लॉग्स आप लोग के सामने उपस्थित है दोस्तों,
इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोग को वीडियो बनाने में मुझे सुविधा हो और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए दोस्तों। आप लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा दोस्तों, इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बिना छोड़े इसको देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय औषधि विज्ञान। धन्यवाद दोस्तों।